हस्तमैथुन से शारीरिक कमजोरी क्यों आती है, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। काफी सारे बच्चे मेरे पास में आते रहते, बोलते हस्तमैथुन क्या मुझे शारीरिक कमजोरी आ गई, और वो क्यों आ गई उसके लिए दवा दो, बहुत वीक हो गए, बीमारी आ गई, कमजोरी आ गई, ऐसा काफी लोग लेके आते हैं। अभी वो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। होता क्या है कि हस्तमैथुन करने से वीर्य बाहर निकलता है, जब हस्तमैथुन करते हैं तो वीर्य बाहर निकलता है, अच्छा भी लगता है, तो कुछ केमिकल्स जो ब्रेन में है वो ब्रेन के केमिकल्स कुछ बाहर निकलते तो अच्छा लगता है, उसमें डोपामिन का सिक्रेशन हो जाता है, नॉरएपिनेफ्रिन का, सेरोटोनिन का सिक्रेशन हो जाता है, उससे अच्छा लगता है, और अच्छा लगने से फिर वो बार बार हस्तमैथुन करने लगता है। होता क्या है कि उसके साथ साथ ऐसे कुछ केमिकल्स ब्रेन से रिलीज होते हैं या ब्रेन में रिलीज होते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत घुटने में दर्द हो सकता है, थोड़ा शरीर में दर्द हो सकता है, फिर कभी नींद आ जाती है, थोड़ा सा ऐसा धुंधलापन हो जाता है, थोड़ी नींद आ जाती है, और एक्सरसाइज है ना, वो कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज है जब हस्तमैथुन करते हैं तो, एक्सरसाइज से मसल को थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है और ऐसा लगता है कि नींद आ रही है। अब जब ऐसा होता है कि मसल रिलैक्स हो गई है, थोड़ा सा नींद आ रही है और थोड़ा दर्द हो रहा है, तो नेचुरली उनको लगता है कि नहीं, ये हस्तमैथुन से मैंने किया और ये बॉडी को प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअली वो टेम्पररी है, कोई ज्यादा समय तक नहीं चलता है, वो टेम्पररी है, बहुत ही अल्पकाल वो टिकता है और बाद में आदमी अच्छा हो जाता है। ये जो है केमिकल्स रिलीज होना, ये सेक्स करने के बाद में भी होता है, मतलब जब आदमी सेक्स करता है तो उसके बाद में भी ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, और इसलिए जब ऐसा बोलते हैं कि अटैक आ गया तो सेक्स मत करो, क्योंकि वो एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज शायद हार्ट अटैक के बाद में इतने सहन नहीं कर सकेंगे आप सेक्स करने के बाद की एक्सरसाइज, तो इसलिए वो नहीं बोलते हैं। तो ये थोड़ी देर में सब नेचुरल नॉर्मल हो जाता है, बाद में मगर तकलीफ क्यों होती है, क्योंकि उसके बारे में फैली हुई गलत फहमी है। क्योंकि एक वीर्य का बूंद जो है वो 80 खून के बूंद के बराबर का जब ऐसा फैलाया जाता है, या हस्तमैथुन तो नहीं किया तेरे गाल अंदर गए, हस्तमैथुन किया तेरा वजन कम हो रहा है या वजन कम हो जाएगा, ये अच्छा नहीं किया, ये पाप है, ये बुरा है, ये जो हमारा सालों से हमारे दिमाग में डाला हुआ है, उससे फिर और आदमी कमजोर कमजोर बनते जाता है। मतलब टेम्पररी प्रॉब्लम आता है, वो टेम्पररी है, बहुत ही कम से कम समय टिकने वाला है, कुछ मिनट के लिए टिकने वाला है, जिससे थकान आना या थोड़ा दर्द होना या नींद आना या धुंधलापन दिखना, ऐसा थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ी देर तक हो सकता है, बाद में नहीं, बाद में तो नॉर्मल हो जाएगा। मगर इसमें फिर लोग उसको सच्चे समझते हैं और बाद में फिर उसके लिए सोचते सोचते पेशेंट बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हस्तमैथुन या नॉर्मल प्रक्रिया है, ये जो तकलीफ हो रही है या जो भी प्रॉब्लम है कुछ समय के बाद में ठीक हो जाएगा, टेम्पररी है, दिमाग में जो बहम है वो निकालना जरूरी है, लोगों का एजुकेशन होना जरूरी है। इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएगी। जो लोग बीमार है, शारीरिक दृष्टि से बीमार है लोग, हस्तमैथुन से निकल जाएंगे, लोग अच्छे हो जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।